हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप गुड डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जब सैमसंग नोट जो है इसके अंदर जो भी डाटा होता है गाइस, अब इसे कैसे यहाँ पर एक फोन से दूसरे फोन में यहाँ पर डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए, और अगर गाइस जब स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर गाइस मैं जाता हूँ अभी सैमसंग नोट्स में। तो यहाँ पर गाइस मैं सैमसंग नोट्स का बताऊँगा सिर्फ। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं दूसरे भी नोट्स का बताऊँ तो यहाँ पर आप नीचे कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर गाइस आपको दो तरीका बताऊँगा मैं इसे, यहाँ पर जो भी जितना भी यहाँ पर टेक्स्ट रहेगा आपका डेटा रहेगा इसके लेने के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर थ्री लाइंस के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना होगा। सबसे पहले सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंक विद सैमसंग क्लाउड, इसके अंदर आपको जाना होगा। इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग नोट्स, इसे यहाँ पर टर्न ऑन ऑटो सिंक कर देना है, जिससे यहाँ पर जितना भी डेटा है यहाँ पर इसके अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर गाइस याद रखिए, इसके अंदर जो डेटा रहता है गाइस, जो भी यहाँ पर आईडी रहती है इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस आईडी के अंदर चला जाएगा, जिससे आप दूसरे सैमसंग के फ़ोन में जाकर यहाँ पर ऐसे ही ईमेल आईडी डालकर यहाँ पर सिंक कर सकते हैं, जिससे पूरा डेटा जो दूसरे फ़ोन में चल जाएगा। और सिंपली यहाँ पर दूसरा एक तरीका है जिससे यहाँ पर आप कर सकते हैं, जो भी यहाँ पर नोट्स हैं गाइस, जितने भी यहाँ पर डेटा है, तो इसे आप यहाँ पर डायरेक्टली शेयर करके इमेज के ज़रिए, पीडीएफ के ज़रिए, टेक्स्ट के ज़रिए आप इजीली ले सकते हैं। यहाँ पर आप पीडीएफ के ज़रिए भी ले सकते हैं गाइस, जैसे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर जाइए, व्हाट्सएप पर जाने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर डायरेक्ट पीडीएफ के ज़रिए भी ले सकते हैं आप डायरेक्ट किसी को भी भेज कर। तो इससे यहाँ पर आप दूसरे फ़ोन में भेज कर यहाँ पर ईजिली ले सकते हैं डेटा को। तो ऐसा करके आप एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में ले सकते हैं गाइस, दो तरीके हैं। अगर आप दूसरे फ़ोन का अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा आगे के वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू वेरी मच।